दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आने वाले कुछ ही समय में इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। वजह है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। रोज नई नई चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। इंटरनेट वर्ल्ड में एक बड़ा धमाका हुआ है। एक ऐसी कंपनी जिसे शायद आप अभी तक जानते भी नहीं हो, वो गूगल जैसी दिग्गज कंपनी जिसका इंटरनेट पर एकाधिकार है, उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है और डरा दिया है। गूगल सिर्फ डरा ही नहीं है, बल्कि उस कंपनी को कॉपी करने की तैयारी भी कर चुका है। गूगल को मार्केट से रिप्लेस होने का डर साफ साफ दिख रहा है। आइए अब उस कंपनी के बारे में आप सबको बताता हूं जिसने गूगल जैसी कंपनी को कुछ अलग करने को मजबूर कर दिया है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि AI अभी अपने बाल अवस्था में है, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ बदलेगा। रोज नए नए खोज एवं आविष्कार हो रहे हैं और बड़ी से बड़ी कंपनियां जो टॉप पे हैं, वो अपना स्थान बनाए रखने के लिए दिन रात काम तो कर रही हैं, लेकिन नई नई कंपनियां भी अविश्वसनीय कारनामे कर रही हैं। क्या इससे पहले कभी आपने OpenAI प्लेटफॉर्म का नाम सुना है? मैं भी जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग OpenAI या ChatGPT के बारे में मेरे इस वीडियो से पहले जानते हैं, कमेंट में बताएं। अगर जानते हैं OpenAI के बारे में तो यस लिखें, अगर नहीं जानते तो नो लिखें कमेंट में। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। आइए अब मैं बताता हूं, OpenAI द्वारा एक सर्च इंजिन चैटबॉट बनाया गया है जिसका नाम ChatGPT है। लेकिन इसकी एक खासियत की वजह से गूगल भी हैरान हो गया है। वो खासियत यह है कि इस पे आप जो भी सर्च करेंगे सिर्फ उसी के बारे में आपको सटीक जवाब मिलेगा, वन लाइनर आंसर मिलेगा। गूगल जैसे अनावश्यक जवाब उसमें नहीं दिखाया जाएगा सर्च रिजल्ट में। सिर्फ इतना ही नहीं, ChatGPT के द्वारा आप किसी भी मैथमेटिक्स का प्रश्न भी हल कर सकते हैं। इसकी सहायता कोडिंग में भी मिल सकती है, कोई ऐसे या निबंध भी इसकी सहायता से आप लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट वर्क भी इसकी सहायता से कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे संभव है, क्या इसमें इतना डेटा लोड किया गया होगा? तो इसका जवाब है जी हां, इसमें 572 GB प्री लोडेड डेटा है, फीड किया गया है और इसका सर्च रिजल्ट पूरा AI बेस्ड है। इससे आपको अपने सवाल का जवाब जानने में आसानी होगी, क्योंकि आपको जितनी जरूरत होगी उतना ही जवाब मिलेगा इसमें, क्योंकि OpenAI ने आज की जरूरत को देखते हुए इसको तैयार किया है। आज सभी को अपने कार्य को कम समय में और आसानी से करने की चाहत रहती है। दोस्त, अपने वन लाइनर आंसर के वजह से ही इसके मात्र 5 दिन में 10 लाख यूजर कंप्लीट हो गए हैं। शायद आपको 10 लाख सुनने में कम लग रहा हो, लेकिन आपको बता दूं कि पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम को 10 लाख यूजर बनाने में 2 वर्ष लग गए थे और व्हाट्सएप को भी। 29 नवंबर 2022 को लॉन्च हुई कंपनी OpenAI $29 बिलियन की कंपनी बन गई है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब थोड़ा OpenAI के बारे में आपको और बता दूं कि शुरुआत में इसके फाइनेंसर एलन मस्क जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे, लेकिन अब वो इसके एक्टिव पार्टनर नहीं है। इसे अब मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट मदद कर रहा है और 23 जनवरी 2023 को माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन इन्वेस्ट किए ChatGPT के लिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से गूगल के इंटरनेट पे एकाधिकार खत्म करना चाहता है। सर्च इंजन के फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट पहले भी अपनी किस्मत आजमा चुका है, लेकिन दोस्त, टॉप पे पहुंच जाना आसान होता है, लेकिन अपने टॉप पोजीशन को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। क्या टॉप पे बैठा गूगल ये सब देख के शांत रहता? ये भी लगभग 6 वर्ष पहले से ChatGPT की तरह ही वन लाइनर आंसर वाले बार्ड पे काम कर रहा है। जी हाँ, गूगल भी अपना चैटबॉट बार्ड मार्केट में लाने की पूरी तैयारी कर रहा है और यह सभी को पता है कि आज के डेट में गूगल से ज्यादा डेटा शायद किसी के पास भी नहीं है। इसका डेटा 572 GB वाले ChatGPT पर भारी पड़ेगा। गूगल का भी कहना है कि हमारा बार्ड भी सिर्फ वही आंसर देगा जितना आप पूछेंगे। अनावश्यक जानकारी उस पे गूगल सर्च इंजन की तरह नहीं दिखाई देगी, लेकिन मात्र 5 दिन में 1 मिलियन यूजर OpenAI के ChatGPT का होना गूगल को भी कहीं ना कहीं खटक रहा है। इसको आप भी चेक कर सकते हैं, OpenAI ओपन करें और ट्राई पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसमें जो डेटा है वो 2021 तक का ही है। 2021 की बात की घटना या किसी भी बात के बारे में आप नहीं जान सकते, लेकिन इस पे काफी तेजी से काम भी चल रहे हैं।
चैट जीपीटी के विषय में और भी जानकारी आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्त, इंटरनेट वर्ल्ड में जबरदस्त क्रांति आने वाली है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पे कंपनियां काम कर रही हैं जिससे लाइफ तो आसान होता ही जाएगा, साथ ही इंसान की और इंसान के कार्यों की वैल्यू कम होते जाएगी। अब इन सबसे रोजगार घटेगा या बढ़ेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज तो अब साफ दिख रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोनोपोली क्रिएट करके बैठी हैं, अब उनका एकाधिकार खत्म होगा और नई नई कंपनियों और डेवलपर्स को मौका मिलेगा। अब सोचिए कि लोगों को कितनी बेताबी से और बेहतर की तलाश है कि चैट जीपीटी के मात्र 5 दिन में 10 लाख यूजर्स बन गए। आईटी के क्षेत्र में कुछ ऐसी भी कंपनियां आ सकती हैं जिसके एक एक दिन में 10-10, 20-20 लाख यूजर्स बन सकते हैं। दोस्त, इस दुनिया में किसी काम के लिए कोई लिमिट सेट नहीं है। कहा जाता है कि रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए। आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, खुद पे काम कीजिए और नया लिमिट सेट कीजिए। ये तो अभी मात्र 2 कंपनियों के बारे में आप जाने। जब गूगल इस पे 6 वर्षों से काम कर रहा है अपना चैटबॉट लाने के लिए, तो ऐसी सैकड़ों और कंपनियां भी बरसों से काम कर रही होंगी। सिर्फ सर्च इंजिन ही नहीं, सभी आईटी प्रोडक्ट जो आज टॉप पे है, कल को किसी दूसरे कंपनी द्वारा रिप्लेस जरूर किया जाएगा। समय से भी तेजी से इस पे कार्य हो रहा है। मुझे तो खुशी है और स्वागत है नई कंपनियों का। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें।